इसमें 50 ग्राम ओट्स है और 1 स्कूप की अंटी का प्राइम वे है, केसर काजू का फ्लेवर। थैंक यू मेरी फेसबुक फैमिली, ऐसे ही अपना, ऐसे ही एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसे ही अपना प्यार बनाए। मटर अदरक लहसुन का हल्का सा पेस्ट बनाकर वो इसमें ऐड कर सकते हो, नमक अपने स्वाद के हिसाब से। ओट्स रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो आप, सिंपल पानी में बनाए हैं विदाउट। तो दोस्तों आज है मेरा 22वां दिन 101 हार्ड चैलेंज का। कल थोड़ा कार्ब लोड करा था तो यह कि थोड़ी एनर्जी सी आ गई है आज, लेकिन आज भी कार्ब का एक मील रखूँगा। और सुबह मैंने थोड़ा कार्डियो बढ़ा रहा हूँ अपना डेली का, जैसे मैं आधा घंटा करता था तो 5 से 7 मिनट और बढ़ा देंगे। और आज जो मेरा वर्कआउट होगा वो होगा चेस्ट का, तो करते हैं स्टार्ट, पहले करते हैं कार्डियो। तो रनिंग करूँगा मैं आधा घंटा और उसके बाद करूँगा 10 मिनट जंपिंग। फैट लॉस करने के लिए रनिंग खाली पेट बहुत ज़रूरी है। तो जो भी भाई पूछते हैं कि डाइट क्या लेनी है, आप डाइट नहीं बता रहे, तो डेली भाई वीडियो देखा करो, डेली डाइट की वीडियो डालता हूँ मैं, एक ब्लॉग डेली का है मेरा कि क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, सब कुछ आपको वीडियो में प्रॉपर तरीके से मैं बताता रहता हूँ। तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले ले लेंगे अपना कार्नी पंप 1 सर्विंग। तो जो भी भाई फैट लॉस करना चाहता है ये यूज़ कर सकता है, और जिसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए मेरा कोड यूज कर सकता है QNT राजूपाल, आपको 10% ज़्यादा डिस्काउंट करेगा, बट वेबसाइट से खरीदना डायरेक्ट है आप। अगर आपका फैट लॉस रुक गया है तो ये स्टार्ट कर दो, फैट लॉस ज़रूर होगा। थैंक यू। आज है फिर से डेल्ट का वर्कआउट और चेस्ट का। पहली एक्सरसाइज करेंगे डंबल प्रेस, इसके मैं करूँगा 8 सेट और रैप रहेंगे 15 से 20 के बीच में। सेकेंड एक्सरसाइज है मेरी फ्रंट रेज, फ्रंट हैमर के मैं करूंगा 4 से 5 सेट, रैप रहेंगे 12 से 15। बेल्ट की मेरी थर्ड एक्सरसाइज डंबल से साइड लिटरल, 3 सेट हैं 15 से 20 रैप हैं। तो शोल्डर का वर्कआउट होने के बाद अब चेस्ट के करूंगा मैं 3 एक्सरसाइज। पहले करूंगा फ्लैट बेंच डंबल प्रेस 4 सेट, रैप रहेंगे 12 से 15 के बीच में। हर सेट के अंदर था सेकंड एक्सरसाइज डिक्लाइन बेंच पे करूंगा मैं डंबल प्रेस 4 सेट, रेपिटेशन 15 से 20। All right.
15 लास्ट एक्सरसाइज है केबल क्रॉस, 3 सेट है, रेपिटेशन रहेगी 12 से 15, आप 15 से 20 भी कर सकते हो अगर चेस्ट पे फैट ज्यादा है तो, मैं 12 से 15 ही रखूंगा। तो ये लास्ट एक्सरसाइज थी, अब चेस्ट और डेल्ट का मेरा वर्कआउट हो गया था, मेरा कंप्लीट चेस्ट और डेल्ट करा था, अब टाइम है रिकवरी करने का, अपना आइसो रिब्ड एक स्कूप और थोड़ा सा ग्लूटामाइन। तो दोस्तों आज मैं बनाऊंगा मैं ओट्स, आज मेरा कार्ब का मील है तो बनाना कितने खाऊंगा मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं डाल लूँगा, आप देख सकते हो जीरो है ये, इसमें डालूँगा मैं 50 से 60 ग्राम ओट्स, 60 ग्राम हो गए ओट्स, एक दो ग्राम का मैं कोई दिक्कत नहीं। इसमें डालूँगा मैं 200 से 300 ml पानी, कैसे बनाने हैं फिर क्या क्या करूँगा इसमें। अब इसको कम से कम आप जब उबाल आ जाए ना, जब एक बार ये उबल जाएंगे इसके बाद इसकी गैस कर देना कम, क्योंकि ओट्स को जब भी कुक करो ना, लोग गलती करते हैं कि तेज़ आंच पे उसको उबालते हैं, उससे क्या है कि बहुत हार्ड हो जाता है उसका जो भी फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, कार्ब होता है। तो आप इसको पहले जब उबाल आ जाए उसके बाद इसको कम कर दो इसकी गैस को, और उसके बाद 2 से 3 मिनट। ओट्स रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो आप, सिंपल पानी में बनाए हैं विदाउट ऑयल यानी। अब इनको खाना कैसे है, जो भी मेरा भाई फैट लॉस कर रहा है या अपना वेट लॉस कर रहा है उनको दिक्कत ये आती है कि उनको अच्छे नहीं लगते, तो आप इसमें मैगी मसाला आता है आप थोड़ा सा बनाने के बाद ये डाल सकते हो, मैं प्याज टमाटर अदरक लहसुन का हल्का सा पेस्ट बनाकर वो इसमें ऐड कर सकते हो, नमक अपने स्वाद के हिसाब से, आप ऐसे भी खा सकते हो। और जो भाई वेट गेन कर रहे हैं, वेट भी गेन हो सकता है अगर आप ओट्स खा रहे हो तो, उसके लिए करना क्या है आपको, आपको गुड़ की जो ये होती है ना शक्कर, हमारे यहाँ तो शक्कर कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे, तो शक्कर आपको डालनी है इसके अंदर। जैसे आप 60 ग्राम ओट्स हैं तो आपको इसके अंदर 30 ग्राम ये शक्कर डालनी है गुड़ की, अच्छे से मिक्स कर लोगे, साथ में 2 से 3 बनाना ऐड करने हैं आपको। और अगर आप नॉन वेज खाते हो तो अंडे भी ले सकते हो, जो भाई वेजिटेरियन है वो प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं साथ में, प्रोटीन ओट्स के अंदर डाल सकते हो आप, या फिर आप पनीर ले सकते हो साथ में। मैं कभी कभी प्रोटीन पी लेता हूँ, कभी पनीर ले लेता हूँ, जैसे अंडे भी ले लेता हूँ साथ में। तो ये बेस्ट तरीका है ओट्स खाने का, आपको मज़ा भी आएगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, थैंक यू। आज है मेरा मील, ये फर्स्ट मील ये है, आज मैंने अंडे नहीं खाए, मन नहीं था, तो आज मैंने ओट्स ले लिए, थोड़ा सा कार्ब मैंने शुरू कर दिया, 50 ग्राम ओट्स है और एक स्कूप की अंटी का प्राइम वे है, केसर काजू पिस्ता फ्लेवर। तो आज फुल टेस्ट के साथ मज़े भी लेंगे, अच्छा मज़ा आएगा, बहुत दिन के बाद प्रोटीन के साथ ओट्स खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया लगते हैं ओट्स के अंदर प्रोटीन डाल के खाओ। तो दोस्तों जो भी फैट लॉस करना चाहता है, मेरे बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कमेंट कर करके कि सर डाइट की वीडियो डालो, मैं डेली आपके साथ शेयर करता हूँ फैट लॉस की डाइट। अभी आप देख रहे हो कि प्रोटीन के लिए मैंने ले रखा है चिकन, आप वेज खाते हो तो आप पनीर ले सकते हो, थोड़ी सी दाल ले सकते हो, लेकिन करना क्या है, सबसे ज़्यादा आपकी प्लेट में ना सैलेड होना चाहिए, देख रहे हो सैलेड ज़्यादा होना चाहिए, और जो दूसरी चीज़ है क्वांटिटी में से प्रोटीन के लिए कार्ब के लिए वो कम होगा। सैलेड ज़्यादा खाओगे तो फाइबर ज़्यादा जाएगा बॉडी में, फैट ज़्यादा लॉस होगा आपका। तो आप जब भी ऐसा फैट लॉस करना चाहो तो सैलेड ज़्यादा होना चाहिए, और आपका जो रोटी अगर आप खा सकते हो तो आप एक रोटी खा सकते हो थोड़ी सी दाल के साथ, लेकिन सैलरी शाम। तो आज मेरे फेसबुक पर 100 के हो चुके हैं, 1 लाख मेरी फेसबुक फैमिली हो चुकी है, तो अभी इसको काटेंगे, आगे फूक मारो 100K भाई 100K। थैंक यू मेरी फेसबुक फैमिली, ऐसे ही अपना ऐसे ही अपना प्यार बनाए रख, मैं आपके लिए नई नई चीजें लाता रहूंगा, आप लोगों की वैसे ही सब कुछ है, आप लोग ऐसी वीडियो को शेयर करा करो, लाइक करा करो,
श्यामबा भाई कृपा बनी रहे, इनका आशीर्वाद है भाई, सब कुछ जय श्री श्याम। और अगला केक कटेगा 150K पे, जब 1.5 लाख हो जाएंगे, अभी 100K हैं। केक कटते रहेंगे। तो थैंक यू माय फेसबुक फैमिली, सबको लव यू गाइस, आप सबकी वजह से ही है ये। नहीं तो मेरे भी 4-5 महीने पहले सिर्फ 17,000 फॉलोवर थे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, सभी का हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद। फॉलो करते रहो और इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों फॉलो करो मुझे, राजूपाल मिस्टर एशिया के नाम से मेरी आईडी है। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। तो ये है मेरा शाम का मील जो मैं जिम में आके रेगुलर यूज कंज्यूम कर रहा हूँ। 12 अंडे हैं, 2 अंडे का एग योक है और थोड़ी सी प्याज ले रखी है। तो शाम को यही है, 0 कार्ब है इसमें, कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ओनली प्रोटीन है और गुड फैट है। तो अब यही खाएंगे। तो अपना डिनर का टाइम हो गया था, तो डिनर लेने में आ गया था अपना बाहर। तो आज जो है अपना चिकन है, चिकन आप देख सकते हो 250 ग्राम चिकन है और 200 ग्राम के आसपास आपकी मूली और गाजर मिक्स है। तो 250 ग्राम चिकन लेंगे, इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, बिल्कुल रोस्टेड है विदाउट एनी ऑयल और कुछ नहीं है, 0 कार्ब मील है ये, बिल्कुल 0 कार्ब होगा इसमें। तो फैट बर्न करना है तो भाई डिनर में आपको कार्बोहाइड्रेट बंद करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, थैंक यू।